छत्तीसगढ़ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ देवेंद्र खुटे। तो चले चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। रायपुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 8 लड़की 3 लड़के गिरफ्तार। एक बार फिर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। रायपुर में धड़ल्ले से जिस्म का कारोबार चल रहा है, जहां अपने हवस की आग बुझाने बड़े बड़े रईस रात के अंधेरे से लेकर दिन के उजाले तक पहुंचते हैं, जिसमें जिस्म की यह मंडलियां बड़े बड़े होटलों से लेकर स्पा सेंटरों और कॉलोनियों में संचालित हो रही, जहां धड़ल्ले से जिस्म का सौदा होता है। CSP कृष्ण कुमार के नेतृत्व में पुलिस की स्पेशल टीम ने ग्लैमर्स सैलून और एम्ब्रेसिया कॉलोनी में दबिश दी और वहां से 8 लड़की और 3 लड़के को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद सभी को राजेंद्र नगर थाना लाया गया, जहां सभी के खिलाफ पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई किया गया। आपको बता दें कि राजधानी में आए दिन सेक्स रैकेट फूटता है, जहां देश के अलग अलग राज्यों से लाई हुई लड़कियों को पकड़ी जा चुकी है। वहीं पुरानी बस्ती CSP कृष्ण कुमार पटेल ने बताया कि जो संचालित हो रहा था उस पर लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, खासकर आपकी कार्रवाई लगातार यहां पर देखने को मिल रही है। इस बार सेक्स रैकेट 2 जगह पर से पकड़ा है, किस किस तरह की कार्रवाई है, क्या हुआ? हमको 2 जगह शिकायत मिली थी कि यहाँ पे सेक्स रैकेट का धंधा कराया जा रहा है, जिस पे इम्प्रेशिया कॉलोनी में एक किरण साहू जो दलाल हैं, उनके द्वारा मोबाइल और व्हाट्सएप का यूज करके ग्राहकों को उसका रेट और व्हाट्सएप में लड़कियों का फ़ोटो को सेंड करके सेक्स रैकेट का धंधा चला रहे हैं। इस पे 2 जगह हमको शिकायत मिली थी। एक ग्लैमरस फैमिली सैलून, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पे 2 टीम बनाई गई, जिसमें मेरे साथ उप पुलिस अधीक्षक मैम नीता पवार मैम हैं, उनकी एक टीम बनी और एक CSP पुरानी बस्ती मेरे द्वारा टीम बनाई गई। दोनों जगह दबिश दी गई। दोनों जगह में हमको इम्प्रेशिया कॉलोनी अमलीडीह में 4 लड़कियां और एक ग्राहक हमको मिले, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, जिनके पास से जो हमारे पॉइंटर द्वारा दिया गया रुपया, आपत्तिजनक वस्तु और उनके जो मोबाइल, जिसमें उनके द्वारा फ़ोटो और पैसा का रेट का जो सेंड किया जाता था, वो हम जब्त किए हैं। साथ में एक ग्लैमरस फैमिली सैलून में भी रेड की कार्रवाई किया गया, जिसमें मिता पवार मैम अपने टीम के साथ कार्रवाई किए हैं, जिसमें वहां का जो मैनेजर और मालिक है राजेश मिश्रा, और उनके साथ वहां पे 4 लड़कियां हमको प्राप्त हुई और एक कस्टमर जो कि वहां पे आपत्तिजनक स्थिति में मिला, उनके पास से भी हमारे द्वारा पॉइंटर के द्वारा भेजा गया 2000 रुपये, 7 मोबाइल और आपत्तिजनक वस्तु और स्पा सेंटर में डायरी जो मेंटेन करते हैं वो हमने जब्त किए हैं। ये पकड़ी गई लड़कियाँ प्रॉपर छत्तीसगढ़ की हैं या और भी कहीं? अभी जितने लड़कियाँ मिली हैं वो रायपुर के आसपास ही के हैं और ये छत्तीसगढ़ के ही हैं। ये क्या ये पढ़ाई करते थे, कैसे इन लोग यहाँ पर आए, किस तरीके से रहते थे और फ्लैट में क्या होता? ये फ्लैट वाले, जिस फ्लैट वाले सिस्टम में जिसमें हमने रेड किए हैं, उसमें किरण साहू जो कि उस घर को किराए में ले कर रखी हैं, और 3 और महिला मिली हैं, वो दिन में सुबह 10 बजे आती हैं और उनके पास जो मोबाइल है उस मोबाइल से ये सौदा करते थे और 5 बजे तक ये अपना काम करके वापस अपने फैमिली में चले जाते थे। और ये किरण साहू जो कि शर्मा भाभी के नाम से फेमस हैं, और इनके द्वारा ये संचालित किया जाता था। लड़कियां जो हैं कहाँ की हैं? पूछताछ में सभी अपना लोकेशन एड्रेस जो दिए हैं वो रायपुर और रायपुर के आसपास थाने क्षेत्र, यानी कि गोबरनावा पारा या अमलीडीही और इस टाइप के ये आसपास के ही हैं, देवपुरी इसी क्षेत्र के हैं। पूछताछ में यही पता चला है कि स्वयं इस धंधे में संलिप्त हैं। शर्मा जी जो हैं ये ये अभी हम इनसे पूछताछ करने के बाद पता चला है कि 1 साल से ये कंटिन्यू अपने धंधा को चला रहे हैं और पूर्व में इनके खिलाफ कहीं FIR नहीं है और ये पहली बार उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। सर, ये बड़े बड़े गिरोह यहाँ पर राजधानी में संचालित हो रहे हैं, लगातार पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, तो क्या इनको किसी तरीके का संरक्षण मिल रहा है? ये लगातार लंबे समय से क्या इस तह तक जाने की कोशिश करेगी पुलिस? अभी हमको जो शिकायत मिला है उसमें जिस जगह का वर्णन किया गया, साथ में हमने उनके मोबाइल जब्त किए हैं, मोबाइल से उनके द्वारा किन किन से कॉन्टेक्ट है और किससे उनको बात करके ग्राहक बुलाते हैं, उन सभी का कॉल डिटेल निकाल के और भी जहाँ हमको